हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे अलर्ट 91। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई मोदी सरकार में कौन क्या है, मतलब कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। और फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है। रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के बाद आपको 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें आप अपना आंसर क्लिक कर लीजिए। भारत के नए वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का नया वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। और फ्रेंड्स, आपका जो भी स्कोर हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। भारत के विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को बनाया गया है। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जल संसाधन स्वच्छता किसे नए मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, जल शक्ति। संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी सही है, अनिता भाटिया को संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2 बार आ गया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय किसे नियुक्त दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से है, नितिन गडकरी। रसायन व उर्वरक मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, रसायन व उर्वरक मंत्रालय डीवी सदानंद गौड़ा को दिया गया है। रेल मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय पहले अभी भी पीयूष गोयल के पास ही है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है, और पहले भी धर्मेंद्र प्रधान के पास ही था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया है। यह मंत्रालय पहले भी प्रकाश जावड़ेकर के पास ही था। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी को दिया गया है। यह मंत्रालय इससे पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी के पास ही था। पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य औद्योगिक मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, उपभोक्ता मामले खाद्य औद्योगिक मंत्रालय रामविलास पासवान को दिया गया है। कानून व न्याय मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, कानून व न्याय मंत्रालय रविशंकर प्रसाद को दिया गया है। कृषि व किसान मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, कृषि व किसान मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसे दिया गया है?
तो फ्रेंड्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल को दिया गया है। महिला व बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स महिला व बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय अर्जुन मुंडा को दिया गया है। सामाजिक न्याय व आधिकारिकता के मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स सामाजिक न्याय व आधिकारिकता के मंत्रालय थावरचंद गहलोत को दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को बनाया गया है। कोयला मंत्री खान मंत्री व संसदीय मामलों के मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स कोयला मंत्री खान मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्रालय प्रहलाद जोशी को दिया गया है। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। बाहरी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स बाहरी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री अरविंद गणपत सावंत को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह को दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अकेले कितनी सीटें जीती? तो फ्रेंड्स बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अकेले 303 सीटें जीती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं।